अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कबाब, और कबाब के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने लिया है चिकन का कीमा, और उनके लिए हरे मिर्ची मैंने 6 से 7 काट के रखी हुई हैं। 2 मैंने प्याज दरमियानी साइज के काटे हैं और मैंने पीस लिया है। हरे मिर्चों को भी मैं काट के पीस लिया है मैंने। ये हरे धनिया मैंने रखी हुई है, और ये रहे हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है नमक का। आप अपने जायके के मुताबिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड करती हूँ, आपको बताती हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हरे मिर्चें 6 से 7 कटी हुई और पीसी हुई। हंसवे जायका नमक मैंने आधा चम्मच लिया है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 2 दरमियानी साइज के प्याज काट के मैंने पीस लिए हैं, 1 चम्मच गरम मसाला, आधे मैं इसमें हरे धनियों के पत्ते ऐड करूंगी, और बाकी ये मैं गार्निश के लिए बचा के रखूंगी। और इस तरह हाथ के साथ इसे जो है ना मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह कर दबा के, ताकि सही इसमें मसाला सारा मिक्स हो जाए। मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ आपके सामने 3 से 4 चम्मच। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, और डबल रोटी का चूरा भी कर सकते हैं। मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ घी। घी हमारा जैसे गर्म हो जाए, घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें कबाब ऐड करूँगी। इस तरह मैंने सारे बना लिए थे जैसे आपको मैंने दिखाए हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कबाब। हल्की आंच में मैं इसमें इन्हें बनाऊंगी, ताकि अंदर से भी कीमा कुक हो जाए। ऐसे ही साथ साथ पलटाता रहे बंदा इसे, अगर पलटाओगे नहीं तो एक तरफ से कच्चे रह जाएंगे, दूसरी तरफ से पक जाएंगे। हल्की आंच पे फ्राई कर रहे हैं, ताकि अंदर से जो है ना चिकन हमारा सही बन जाए, पक जाए। थोड़ा टाइम लगेगा पर बनेगी अच्छे। माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं हमारे कबाब। इस तरह मैं डिश में निकाल लूँगी। इसी तरह मैं और भी फ्राई कर लूँगी। साथ साथ मेरी बेटी रोटियां बना रही है, और एक चूल्हे पे मैं जो है ना अपने कुकिंग कर रही हूँ, और साथ साथ मेरी बेटी रोटियां बना रही है। आवाज़ आ रही होगी आपको। आपको हमारी रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे कुक डो फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं लगते, बाद में आप भूल जाते हैं। माशाल्लाह से हमारे और भी तैयार हो गए। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, और इनकी ग्रेवी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। लाल कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच मैंने लिया है, 3 से 4 हरे मिर्चें काट के रखी हुई हैं, और ये हरे धनियों के पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक प्याज भी काट के मैंने इसमें पीस लिया है, 2 अदर टमाटर काट के रखे हुए हैं, और नमक आधा चम्मच, आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। आइए इसे अब जो है ना फ्राई करते हैं, ग्रेवी बनाते हैं। घी गर्म करना मैंने रख दिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी
अदरक लहसुन का पेस्ट और एक प्याज भी मैंने काट के इसमें साथ पीस लिया है। अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो है मैं इसे फ्राई करूँगी तकरीबन एक मिनट के लिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर आधे चाय के चम्मच से भी कम। दो तीन चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि टमाटर हमारे जो है ना पक जाए, टमाटर पक जाए सही तरह, कच्चे ना रहे। टमाटर थोड़े नरम हो गए हैं, अब मैं इसमें ऐड करूँगी कबाब। मिक्स करेंगे। मिक्स हो गए हैं, ढांप के इसे रख रही हूँ मैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद देखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, देखते हैं सालन हमारे कबाब माशाल्लाह से अच्छे बने हैं, बेहतरीन बने हैं। थोड़े से हरी धनिया मैं इसे गार्निश के लिए कर रही हूँ, हरी धनिया के पत्ते। ग्रेवी वाले कबाब हमारे तैयार हो गए हैं, ग्रेवी वाले कबाब तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें प्लेट में निकाल रही हूँ उन्हें, इस तरह मैं सारे निकाल लूँगी तकरीबन। माशाल्लाह से हमारे ग्रेवी वाले कबाब तैयार हो गए हैं, बेहतरीन बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। और हमारी रेसिपी आपको पसंद है तो आप जो बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर कोई गलती होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी।